खबरों में है दम सबसे पहले हम, क्योंकि हम नहीं हमारी खबरें बोलती हैं। जय भारत दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। हल पर बैठे हुए और आने वाली 8 तारीख को पूरे जिले के जनपद सदस्य आएंगे, पूरे सभी 9 ब्लॉक के जनपद सदस्य आएंगे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष हम सभी लोग बैठ के धरना स्थल पर हरिन भाई का समर्थन करेंगे और जिन भी मुद्दों को लेकर उन्होंने ये लड़ाई लड़ी उस मुद्दों को लेकर हम लोग सब लोग मिलकर कंधे से कंधा मिला के उनके साथ चलेंगे और जो भी उनकी मांग है प्रशासन से हम लोग कोई विषय रखेंगे कि अगर ये जायज विषय है तो ये होना चाहिए, क्योंकि एक अगर चुने हुए जनप्रतिनिधि ने इतना बड़ा कदम उठाया है तो निश्चित कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत तो हुआ है और उसकी हम लोग पुष्टि करवाने का प्रयास। अध्यक्ष महोदय जी ने कहा लगभग 15 से 16 दिन हो गए हरेंद्र मसरा हमारे सभापति वन समिति के, इनके ऊपर कुछ झूठे आरोप लगे हैं। झूठी थाने में FIR पहले एक DFO ने किया, फिर बाद में जनपद CO ने किया। भाई इसकी निष्पक्ष बात जांच तो की जानी चाहिए ना, इतने दिन हो गए हम रेगुलर पत्राचार कर रहे हैं कि जो आरोप लग रहा है उसकी जांच करनी चाहिए। आज स्थिति ये हो गई कि धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है और धरना की सुध लेने कोई पहुँच नहीं रहा है। अभी आप देखिए, आज मैंने एक अपने स्टाफ से कर्मचारी को भेजा फॉरेस्ट विभाग, और प्रतिभा शुक्ला करके कोई मैडम है DFO बोलता है, तो मैंने बहुत पहले एक लेटर लिखा था कि मुझे आपके यहाँ जो निर्माण कार्य हुआ उसकी जानकारी उपलब्ध कराएं। लगभग 3 महीने के बाद मैंने उस पत्र को फिर से रिमाइंडर के लिए भेजा, पता ही है इसमें क्या कार्रवाई हुई। मैडम के यहाँ बोर्ड में लिखा कि कोई व्यक्ति मेरे से चार से पाँच ऐसा कुछ टाइम लिखा है, इतने सेवा ही आप मिल सकते हैं। पकाद उनको बोला गया कि जनपद उपाध्यक्ष का व्यक्ति आए, इसके बाद उनको मिलने का टाइम नहीं रहा। इस तरह की हिपला साहित्य यहाँ पर चलती है। और रही बात, हम सभी ने ये ठाना है कि आगामी जो है 8 तारीख को एक बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे और हम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रहलाद पटेल जी, राज्यपाल महोदय जी और अपने और भी अन्य जो वरिष्ठ हमारे जन हैं उनको पत्राचार करेंगे और उनको ये बताएंगे कि मंडला का हाल बेहाल हो चुका है। विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.revaindianews.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।